बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन, दास्तान ईमान फिरोशों के एपिसोड नंबर 4 में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। वो रात गुजर गई, फिर और कई रातें गुजर गईं। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी इंतज़ामी कामों और नई फौज तैयार करने में मसरूफ रहा कि नाजी की दावत कबूल करने का वक्त ना निकाल सका। अली बिन सुफियान ने उसे नाजी के मुतालिक जो रिपोर्ट दी उससे वो मजीद परेशान हो गया। उसने अली से कहा, तो इसका ये मतलब है कि ये शख्स सलीबियों से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। ये एक सांप है जिसे मिस्र की अमारत आस्तीन में पा रही है। अली बिन सुफियान ने नाजी की तखरीब कारी की तफसील सुनाई कि उसने किस तरह किस किस बड़े बड़े आदमी को अपने हाथ में लिया और इंतज़ामिया में मनमानी करता रहा। फिर कहा, और जिस सूडानी सिपा का वो सालार है वो हमारी बजाय उसकी वफादार है, क्या आप इसका कोई इलाज सोच सकते हैं? सिर्फ सोच ही नहीं सकता, सलाउद्दीन अयूबी ने जवाब दिया, इलाज शुरू कर चुका हूँ। मिस्र से जो सिपे सैलार या जो सिपाहियों की भर्ती की जा रही है उसे मैं सूडानी मुहावजों में गडमट कर दूंगा, फिर ये फौज सूडानी होगी न मिस्री। नाजी की ये ताकत बिखर कर हमारी फौज में जज़ब हो जाएगी। नाजी को मैं उसके सही ठिकाने पर ले आऊँगा, और मैं ये भी वसूक से कह सकता हूँ कि उसने सलीबियों के साथ भी गठजोड़ कर रखा है। अली बिन सुफियान ने कहा, आप सल्तनत इस्लामिया को एक मजबूत मरकज पर लाकर इस्लाम को वसत देना चाहते हैं, मगर नाजी आपके ख्वाब को दीवाने का ख्वाब बना रहा है। तुम इस सिलसिले में क्या कर रहे हो ये मुझ पे छोड़ें। अली बिन सुफियान ने जवाब दिया, मैं जो कुछ करूंगा वो आपको साथ साथ बताता रहूंगा, आप मुतमइन रहें। मैंने उसके गिर्द जासूसों की ऐसी दीवार चुन दी है जिसमें आंखें भी हैं, कान भी हैं, और ये दीवार मुतहरक भी है। यूं समझ लें कि मैंने उसे अपने जासूसों के किले में कैद कर दिया है। सलाउद्दीन अयूबी को अली बिन सुफियान पर इस कदर एतमाद था कि उससे उसकी वरपर्दा कार्रवाई की तफसील ना पूछी। अली ने उससे पूछा, मालूम हुआ है कि वो आपको जश्न पर दावत देना चाहता है, अगर ये बात सही है तो उसकी दावत उस वक्त कबूल कीजिएगा जब मैं आपको बताऊंगा। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी उठा और हाथ पीठ पीछे रखकर टहलने लगा। उसकी आह निकल गई, वो रुक गया और बोला, अली बिन सुफियान, जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है, बेमकसद जिंदगी से क्या ये बेहतर नहीं कि इंसान पैदा होते ही मर जाए? कभी कभी ये सोच दिमाग में आ जाती है कि वो लोग शायद खुशनसीब हैं कि जिनकी कवी हिस्स मुर्दा हो जाती है और जिनका कोई किरदार नहीं होता, बड़े मजे से जीते हैं और अपनी आई पे मर जाते हैं, वो बदनसीब हैं। अमीर मोहतरम, अली ने कहा। अली बिन सुफियान, हाँ। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाया और कहा, मैं जब उन्हें खुशनसीब कहता हूँ तो यही बात मालूम नहीं कि कौन मेरे काम में कह देता है जो तुमने कही है, मगर सोचता हूँ कि हमने तारीख का धारा उस मोड़ पर ना बदला तो मिल्लत इस्लामिया बिखर कर वादियों, जंगलों और सहराओं में खो जाएगी। मिल्लत की खिलाफत 3 हिस्सों में बट गई है, अमीर मनमानी कर रहे हैं और सलीबियों के आलाकार बनते जा रहे हैं। मुझे ये डर भी महसूस होने लगा है कि मुसलमान अगर जिंदा रहे तो वो हमेशा सलीबियों के गुलाम और आलाकार रहेंगे, वो इसी भी खुश रहेंगे कि जिंदा हैं मगर कौम की हैसियत से वो मुर्दा हो चुके होंगे। जरा नक्शा देखो अली, आधी सदी में देखो हमारी सल्तनत का नक्शा कितना सुकड़ गया है। वो खामोश हो गया, सर झुकाकर टहलने लगा और फिर रुक गया और सर को झटक कर अली बिन सुफियान को देखा, कहने लगा, जब तबाही अपने अंदर से उठे तो उसे रोकना महाल हो जाता है। अगर हमारी खिलाफत और इमारतों का यही हाल रहा तो सलीबियों को हम पर हमले करने की जरूरत भी पेश नहीं आएगी। वो आग जिसमें हम अपना ईमान, किरदार और अपनी कौमियत जला रहे हैं उसमें सलीबी आहिस्ता आहिस्ता तेल डालते रहेंगे, उनकी साजिशें हमेशा हमें आपस में लड़ाती रहेंगी। मैं शायद अपना आजम पूरा ना कर सकूं, मैं शायद सलीबियों से शिकस्त भी खा जाऊं, लेकिन मैं अपनी कौम के नाम पर एक वसीयत छोड़ देना चाहता हूं, और वो ये है कि किसी गैर मुस्लिम पर कभी भरोसा ना करना, उनके खिलाफ लड़ना है तो लड़कर मर जाना, किसी गैर मुस्लिम के साथ कभी समझौता और कोई मुआयदा भी ना करना। आपका लहजा बता रहा है जैसे आप अपने अजम से मायूस हो गए हैं। अली बिन सुफियान ने कहा, मायूस नहीं। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी ने कहा, जज्बाती। अली, मेरा एक हुक्म मुतालिका शोबे तक पहुंचा दो, भर्ती तेज कर दो और कोशिश करो कि फौज के लिए ज्यादा से ज्यादा ऐसे आदमी रखो जो जंग का तजर्बा हासिल कर चुके हों। हमारे पास इतनी लंबी तरबियत का वक्त नहीं,
भर्ती होने वालों का मुसलमान होना लाजमी करार दे दो और तुम अपने लिए जहन नशीन कर लो कि ऐसे जासूसों का एक दस्ता तैयार करो जो दुश्मन के इलाके में जाकर जासूसी भी करे और उनको पता भी न चले। ये जांबाजों का दस्ता होगा, उन्हें खसूसी तरबियत दो, उनमें ये सिफात पैदा करो कि ऊंट की तरह से ज्यादा अरसा प्यास बर्दाश्त कर सके, उनकी नजरें उकाब की तरह तेज हों, उनमें सहराई लोमड़ी की मकारी हो और वो दुश्मन पर चीते की तरह झपटने की महारत दिलेरी और ताकत के मालिक हों, उनमें शराब हशीश वगैरह की आदत बिल्कुल ना हो और औरत के लिए वो बर्फ की तरह यख हों। भर्ती तेज करो इब्ने सुफियान, और याद रखो मैं हुजूम का कायल नहीं, मुझे लड़ने वालों की जरूरत है, खा तादाद थोड़ी हो, उनमें कौमी जज्बा हो और मेरे अजम को वो समझते हों, किसी के दिल में ये शिबा पैदा ही ना हो कि उसे क्यों लड़ाया जा रहा है। अगले 10 दिनों में हजार हाथ तरबियत याफ्ता सिपाही इमारत मिस्र की फौज में आ गए और उन 10 दिनों में नाजी ने ज़कोई को ट्रेनिंग दे दी कि वो सलाहुद्दीन अयूबी को कौन कौन से तरीके से अपने हुसन के जाल में फांस कर उसकी शख्सियत और उसके किरदार को कमजोर कर सकती है। नाजी के हमजाद दोस्तों ने ज़कोई को देखा तो उन्होंने बिला खौफ तरदीद ये कह दिया कि इस लड़की को मिस्र के फिरौन देख लेते तो खुदाई के दावे से दस्तबरदार हो जाते। नाजी का जासूसी का अपना निज़ाम था, बहुत तेज और दिलेर, वो मालूम कर चुका था कि अली बिन सुफियान सलाहुद्दीन अयूबी का खसूसी मशीर है और अरब का माना हुआ सरा गसा। उसने अली के पीछे अपने जासूस छोड़ दिए और उसने अली को कत्ल करा देने का मंसूबा भी बना लिया। ज़कोई को नाजी ने सलाहुद्दीन अयूबी को अपने दाम में फांसने के लिए तैयार किया था, लेकिन वो महसूस न कर सका कि मराकिश की रहने वाली ये लड़की उसके अपने आसाब पर सवार हो गई है। वो सिर्फ शक्ल सूरत की ही नहीं, दिलकश नहीं लगती, बल्कि उसकी बातों में भी ऐसा जादू था कि नाजी उसे अपने पास बिठा कर उसके साथ बातें ही करता रहता था। उसने उन दो नाचने और गाने वाली लड़कियों से निगाहें फेर ली थी जो उसकी मंजूर नजर थी। 3-4 रातों से उसने उन लड़कियों को अपने कमरे में नहीं बुलाया था। नाजी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी थी जो उनके कब्जे से निकलकर ज़कोई के आगोश में अंडे देने लगी थी। उन्होंने ज़कोई को रास्ते से हटाने की तरकीबें सोचनी शुरू कर दी। वो आखिर इस नतीजे पर पहुंची कि उसे कत्ल करा दिया जाए, मगर उसे कत्ल कराना मुमकिन नजर नहीं आता था क्योंकि नाजी ने उसे जो कमरा दे रखा था उस पर दो मुहाफ़िज़ों का हमेशा पहरा रहता था। इसके अलावा ये दोनों लड़कियां उस मकान से बिला इजाजत कभी बाहर नहीं जा सकती थीं जो नाजी ने उन्हें दे रखा था। उन्होंने हरम की खादमा औरतों में से एक को एतमाद में लेना शुरू कर दिया, वो उसके हाथों ज़कोई को जहर देना चाहती थी। अली बिन सुफियान ने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का मुहाफ़िज़ दस्ता बदल दिया। ये सब अमीर मिस्र वासराय के पुराने बॉडीगार्ड थे, उनकी जगह उसने उन सिपाहियों में से बॉडीगार्ड का दस्ता तैयार कर दिया जो नई भर्ती में आए थे। ये जानबाजों का मुंतखब दस्ता था जो सिपागिरी में भी ताक था और जज्बे के लिहाज से उसका हर सिपाही मर्द हुर था। नाजी को यह तब्दीली बिल्कुल पसंद न थी, लेकिन उसने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के सामने इस तब्दीली की बेहद तारीफ की और इसके साथ ही दरख्वास्त की कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी उसकी दावत को कबूल कर ले। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने उसे जवाब दिया कि वो एक आधे दिन में उसे बताएगा कि वो कब दावत कबूल कर सकेगा। उसके जाने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने अली बिन सुफियान से मशवरा लिया कि वो दावत पर कब जाए। अली ने उसे मशवरा दिया कि अब वो किसी भी रोज दावत कबूल कर ले। दूसरे ही दिन सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने नाजी को बताया कि वो किसी भी रात दावत पर आ सकता है। नाजी ने 3 रोज बाद की दावत दी और बताया कि यह दावत कम और जश्न ज्यादा होगा। ये जश्न शहर से दूर सहरा में मशालों की रोशनी में मनाया जाएगा। नाच गाने का इंतजाम होगा, बॉडीगार्ड के घुड़सवार अपने कर्तव्य दिखाएंगे, शमशीर जंगे और बगैर हथियारों की लड़ाई के मुकाबले होंगे और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को रात वहीं कायम कराया जाएगा। रिहाइश के लिए खैमे नसब होंगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी प्रोग्राम की तफसील बिल्कुल सुनता रहा, उसने नाच गाने पर भी एतराज न किया। नाजी ने डरते झिझकते लहजे में कहा, फौज के बेशतर सिपाही जो मुसलमान नहीं या जो अभी नीम मुसलमान है कभी कभी शराब पी लेते हैं, वो शराब के आदी नहीं है, वो इजाजत चाहते हैं कि जश्न में उन्हें शराब पीने की इजाजत दी जाए। आप उनके कमांडर हैं, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा, आप चाहें तो उन्हें इजाजत दे दें, ना देना चाहें तो मैं आप पर अपना हुक्म नहीं चलाऊंगा। अमीर मिस्र का इकबाल बुलंद हो, नाजी ने गुलामों की तरह कहा, मैं कौन होता हूँ
उस काम की इजाज़त देने वाला जिसको आप सख्त नापसंद करते हैं। उन्हें इजाज़त दे दें कि जश्न की रात हंगामा आरई और बदकारी के सिवा सब कुछ कर सकते हैं। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी ने कहा, अगर शराब पीकर किसी ने हल्ला गुल्ला किया तो उसे सख्त सजा दी जाएगी। ये खबर जब सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी के स्टाफ तक पहुंची कि नाजी सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी के एजाज में जो जश्न मुनाकिद कर रहा है उसमें नाच गाना होगा और शराब भी पी जाएगी और सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी ने इस जश्न की दावत उन खराफात के बावजूद कबूल कर ली है, तो सब हैरत से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसी ने कहा कि नाजी झूठ बोलता है, वो दूसरों पर अपना रोब डालना चाहता है, और किसी ने यह राय दी कि नाजी का जादू सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी पर भी चल गया है। ये राय उन सरबराहों को पसंद आई जो नाजी के हम नवाला और हम प्याला थे। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी ने चार्ज लेते ही उनके लिए ऐश इशरत, शराब नोशी और बदकारी जुर्म करार दे दी। उसने ऐसा सख्त डिसिप्लिन राइज कर दिया कि किसी को पहले की तरह फराइज से कोताही की जुर्रत नहीं होती थी। वो इस पर खुश थे कि आज नए अमीर मिस्र ने किसी दावत में शराब और रक्स की इजाज़त दे दी है तो कल परसों वो खुद भी इन रंगीनियों में रसिया हो जाएगा। सिर्फ अली बिन सुफियान था जिसे मालूम था कि सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी ने खुराफात की इजाज़त क्यों दी है। जश्न की शाम आ गई। एक तो चांदनी रात थी, सहरा की चांदनी इतनी शफाफ होती है कि रेत के जर्रे भी नजर आ जाते हैं। दूसरे, हजार मशालों ने वहां सहरा की रात को दिन बना दिया था। बॉडी गार्ड का हुजूम था जो एक वसी मैदान के गिर्द दीवारों की तरह खड़ा था। एक तरफ सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी के बैठने के लिए जो मसंद रखी गई थी वो किसी बहुत बड़े बादशाह का तख्त मालूम होती थी। उसके दाएं बाएं बड़े रुतबों के मेहमानों की नशिस्तें थी। इस वसी और अरीज तमाशागाह से थोड़ी दूर मेहमानों के लिए निहायत खूबसूरत खैमे नसब थे। उनसे हटकर एक बड़ा खैमा सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी के लिए नसब किया गया था जहां उसे रात बसर करनी थी। अली बिन सुफियान ने सूरज गुरूब होने से पहले वहां जाकर उस खैमे के इर्द गिर्द मुहाफिज खड़े कर दिए थे। जब अली बिन सुफियान वहां मुहाफिज खड़े कर रहा था, नाजी जकोई को आखिरी हिदायत दे रहा था। इस शाम जकोई का हुसन कुछ ज्यादा ही निखर आया था। उसके जिस्म से ऐसे इतर की भीनी भीनी बू उठ रही थी जिसमें शहर का तासुर था। उसने बाल उरियां कंधों पर फैला दिए थे। सफेद कंधों पर स्याही मायल भूरे बाल जाहिदों की नजरों को गिरफ्तार करते थे। उसका लिबास इस कदर बारीक था कि उसके जिस्म के तमाम नशेब व फराज साफ नजर आते थे। उसके होंठों पर कुदरती तबस्सम अद खिली कली की मानिंद था। नाजी ने उसे सर से पांव तक देखा और देखता ही रह गया और कहा, सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी पर तुम्हारे जिस्मानी हुसन का शायद असर ना हो, अपनी जुबान इस्तेमाल करना। वो सबक भूलना नहीं जो मैंने इतने दिनों से तुम्हें पढ़ाया है, और ये भी नहीं भूलना कि उसके पास जाकर उसकी लोंडी ना बन जाना, इंजीर का वो फूल बन जाना दो जो दरख्त की चोटी पर नजर आता है मगर दरख्त पर चढ़कर देखो तो गायब हो जाता है। उसे अपने कदमों में बिठा लेना। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि तुम उस पत्थर को पानी में तब्दील कर लोगी। उस सरजमीन में कलोपत्रा ने वो एक ऐसी थी जिसने मर्द आहन को अपने हुसन और जवानी से पिघलाकर मिस्र की रेत में बहा दिया था। कलोपत्रा तुमसे ज्यादा खूबसूरत नहीं थी। मैंने तुम्हें जो सबक दिए हैं वो कलोपत्रा की चालीसें या उनकी चालें थी। औरत की ये चालें कभी नाकाम नहीं हो सकती। जकोई मुस्कुरा रही थी और बड़े गौर से सुन रही थी। मिस्र की रेत ने एक और कलोपत्रा को हसीन नागिन कितना जन्म दिया था। मिस्र की तारीख आज दोबारा अपने आप को दोहरा रही थी और मिस्र की तारीख आज दोबारा अपने आप को दोहराने वाली थी। आज की एपिसोड यहीं पे मुकम्मल होती है। अल्लाह हाफिज़।